पानीपत की बधावा राम कॉलोनी के एक घर में चोरी का मामला सामने आया है। घर में रखे लगभग 6 से 7 लाख रुपए के गहने और 30,000 नगद लेकर चोर फरार हो गए। घर के मालिक ब्रह्म सिंह ने बताया कि उनका परिवार छत पर सोया हुआ था। सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए उठे तो उन्हें घर का मेन गेट खुला हुआ मिला। शक होने पर उन्होंने घर में बाकी लोगों को जगाया और चेक करने पर पाया कि अलमारियों में से गहने और नकदी गायब थी। परिजनों ने बताया कि घर में करीब 16 तोले सोना और 30,000 नकदी रखी हुई थी जो अब नहीं है। परिजनों ने बताया शातिर चोरों को दोनों अलमारियों के लॉकर की चाबी के ठिकाने का भी पहले से ही पता था, जिसके चलते चोर बिना किसी सामान से छेड़छाड़ किए ही लॉकर से चाबी अलमारी में से निकाल कर गहने और नकदी ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी सबूत जुटाकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नुकसान जी करीब मतलब जो है ना 6-6.5 लाख का नुकसान है। जेवर है 30,000 रुपये कैसे हैं। और जो है ना मैं सवेरे घूमने जाता हूँ उड्डा की तरफ 4 बजे, तो मैं जैसे ही ऊपर से नीचे आया, बच्चे ऊपर पड़े थे, हम भी ऊपर ही गर्मी की वजह से लौट के, नीचे कोई नहीं था जी। तो नीचे आया तो मैंने जो है ना ये गेट की कुंडी खुली पाई, मुझे मुगालता लगा हो सके रात बच्चों को ध्यान ना रहा हो अंदर की कुंडी लगानी। मैं निकल गया मुका के पूछूँगा, जैसे ही मैंने आकर पूछा ये बोले हमने तो कुंडी लगा रखी थी, ये उठाए तब जाकर फिर मतलब जो है ना भाई देखो भाई कुछ सामान सामून तो गायब नहीं है। अब फिर ये उठ के नीचे आए, देखा तो दोनों अलमारियों से जितना जेवर था वो सब साफ है, और 30,000 रुपये 5,000 रुपये एक अलमारी में थे, 25,000 एक अलमारी में थे कैश, वो मतलब जो है ना चला गया। जेवर में क्या क्या था और कितने करीब कितने लाख रुपये का नुकसान हुआ है? ये मतलब जो है ना अंदाजा है, मतलब जो है ना हमारे टाइम आता है 6.5 लाख रुपए का, 6-6.5 लाख का नुकसान है जेवर का। ओ मतलब कैश तो कोई खास है नहीं थी। बजे की बात है ये जी, मैं 1 बजे तक मैं ऊपर पड़ा फ़ोन देख रहा था, 1 बजे मैं सोया हूँ, छोटे वाला लड़का भी मतलब अंदर कमरे में ऊपर वाले में ही, ये भी नू कह मैं 1 बजे टाइम देख कर सोया, तो मतलब जो है ना, और हम करीब जो है ना 3:30 बजे सी थोड़ी हल्की बूंद सी आई, उस टाइम हम उठ भी गए। फिर क्या क्या चोरी हुआ? 2 तो गले के सेट थे, 2 की टी सेट थे, 2 इनके घर के थे, 5 गुंठी भाव की एक की थी, 4 गुंठी एक की थी, और 5 की पजेब थी, 1 जेंस गुंठी थी, 1 जेंस चैन थी, और चांदी की थी पजेब इनकी 2 जोड़ी। आधी किलो तो मेरी चांदी थी जी, होगी तो फालतू एक आधी, मैंने कहा चलो आधी किलो थी, अरे जी कम से कम 8-10 तोले सोना था, ज़्यादा ही होगा अगर जहाँ तक हम अंदाजा सोचता हूँ 8-10 तोले सोना था, क्यों अपने घर का बता सको मैं, 10 तोले तो मेरे घर घर का था, 5 मुझे 10 पचे डायरेक्ट का था, 5 उस पचे डायरेक्ट का था, 10 तोले तुम्हारे घर का था, बाकी अरे बाकी इनके घर की टूम थी, इनके घर के कक सेट थे, 2 गुंठी थी, अरे जी मंगलसूत्र था हमारे घर का। ठीक है, 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।